ट्रैक्टर चैनल। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आज हम मॉर्निंग इसकी राइड करेंगे, शॉर्ट राइड होगी। बट यार छोटी सी मेजर प्रॉब्लम है, जैसे कि बाइक से जो चेन होती है, बाइक चेन वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। सो देखते हैं, अब उस तक मेजर प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो निकलते हैं। मुझे ये मौसम सुबह सुबह का बहुत अच्छा लगता है, लिटरली बताओ तो इतना प्यारा लगता है। हल्की धूप आ रही होती है, ठंडा ठंडा लगता है, मस्त हो रहा है। और सामने देख सकते हो आप, ओ शेट यार, मैं अपनी स्टिक भूल चुका हूँ। तो मैं सोच ही रहा था कुछ ना कुछ तो भूला हुआ हूँ, दो चीज़ें भूल गया, एक तो ग्लोव्स और स्टिक। यार ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ। So, बिना स्टिक के भी हम कर सकते हैं। हिमालयन एक्सप्रेसवे हिमाचल के पास पहुंचने वाले हैं। अभी नहीं, अभी टाइम है। सो हमने ऑलमोस्ट एंटर कर चुके हैं। सो अभी कितना है, ओनली 25 किलोमीटर। सो रोड देख तो अच्छा रहा है, देखते हैं अब। हमने शिमला हाईवे छोड़ दिया है, तो हमने एक छोटे से रास्ते एंटर कर चुके हैं अंदर। तो देखते हैं क्या होता है। अरे विन भाई यार, इस साइड से धूप सीधा आ रही है। यार एक गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला होता है, आई थिंक कि स्पीड ब्रेकर सारे निकाले जाए, क्योंकि यार स्पीड ब्रेकर होता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, बट अचानक से आ जाता है तो बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं उसकी वजह से। तो इन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि उसको निकाल देंगे, वहाँ पे कुछ लगाएंगे। बट कुछ कुछ जगह पे ऐसे है ना कि जहाँ पे अभी तक नहीं हुआ हुआ उसे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला हुआ था कि छोटी सी प्रॉब्लम आई हुई थी बाइक में, सो अब वो सॉल्व हो चुकी है। एक्चुअली जल्दी मैंने सॉल्व कर ली, अच्छा हुआ, नहीं तो चेन जो स्लॉट होता वो भी चले ख़राब हो जाता। सो उसकी वजह से मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि बाइक चलाने में जो चढ़ान पर ये हो रहा था कि लोड ले रही थी। तो मैंने जल्दी हुआ दिखा दिया, मेरे को मिल गया एक बंदा, वो दिखा लिया, चाय भी ली। अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको, टायर स्मूथ चल रहा है। जैसे मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी वाली, जैसे कि ये टायर अब स्मूथ चल रहा है, पहले बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा था। सो फाइनली हम निकल चुके हैं, लंबा ब्रेक हो गया ये बहुत ज़्यादा, तो अब चेन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि यार सेकेंड गियर में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इतना ज़्यादा लोड ले रही थी बाइक, बता नहीं सकता मैं। तो बंदे ने बोला कि डलवा लेना चेन स्लॉट, क्योंकि यार इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब
राइड भी निकलोगे और बीच में कुछ हो सकता है, टूट भी जा सकती है, तो क्या करोगे? और ये ऐसा एरिया कि यहाँ पे मिलेगी नहीं बाई चांस, मेरे को ये पता भी नहीं था कि यहाँ पे होगा। फिर मैंने पूछा भाई भाई यहाँ पे चाय ली थी, उससे पूछा यार यहाँ पे गैरेज है कोई छोटा मोटा, तो मेरी चेन को थोड़ी ढीली कर दे। उसने बोला हाँ भैया यहाँ पे आगे वो छोटा सा दुकान है वहाँ पे। तो उसने बंदा भी अच्छा था, उसने बताया नहीं तो कुछ बंदे होते हैं कि ये करवा लो ज़्यादा इतना होगा, ऐसे होगा, ऐसे ख़राब है वो, बट बंदे ने प्रॉपर बताया। देखते हैं अब इसको एक वापस जाने के बाद सर्विस सेंटर लेके जानी पड़ेगी मेरे को। मैन आई किल, कम ऑन कम ऑन बॉय कम ऑन। यार ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा मैं इस पर बाइक पे। यार बाइक जैसे हम बीमार होते हैं वैसे मशीन भी होती है, वो भी बीमार पड़ सकती है, क्यों नहीं यार, वो मशीन से। एक्चुअली इसको इस बाइक को बहुत साल हो गए, आई थिंक अब 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं, और अभी तक बस 10,000 किलोमीटर चली थी क्योंकि वो अभी तक घर पर थी, मेरे पास नहीं थी। तो 9,000 किलोमीटर चली थी मैंने, फिर अभी 10,000 हो चुके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट के। सो मैं यार बाइक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा क्योंकि इसके वजह से कुछ भी हो सकता है, बीमार है, कंडीशन इज वेरी बैड, अब एडमिट करनी पड़ेगी इसको हॉस्पिटल में, तब जाके ठीक होगा ये। इंसान बीमार हो सकता है, बाइक क्यों नहीं बीमार हो सकती भाई बताओ। ये भी मशीन है यार, ये तो मशीन है, इसको तो बीमार पड़ना बनता है, खाना में पेट्रोल देना पड़ता है तब जाके चलती है, भूख लगने में हम खाना खाते हैं, ऑब्वियसली भूख लगने में बाइक का पेट्रोल भी चाहिए। ये स्टार्ट हो गए रिजॉर्ट्स, आई थिंक हम मतलब पहुंचने वाले हैं और नहीं इसमें। सावधान, आगे सड़क खराब है, कृपया धीरे चलाइए। खराब भी है और चढ़ान भी है सर, आपने ये लिखा तो नहीं था, आगे चढ़ान भी है तो धीरे चलाइए और चढ़ान भी चढ़िए, आपने खाली लिखा धीरे चलाइए। वाओ इट्स लुक्स अमेजिंग। आड़े में चलाओगे आप बाइक, टर्न आएगा तो उसको प्लीज नो लेफ्ट में रख देना ताकि आगे से गाड़ी आएगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बीच सेंटर में से चलोगे तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी, उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि एक्सीडेंट के, क्योंकि ऊपर से उतरन होती है, स्लिपिंग होता है, तो उसके वजह से क्या होता है ऊपर जो ऊपर से गाड़ी आती है वो फास्ट में आती है और हम होते धीरे, तो हम हो जाएंगे साइड, बट कंट्रोल जो ऊपर से आ रहा है उसको कंट्रोल नहीं होती होगी तो ये हो। और कुछ लोग सोचते हैं यार पहाड़ों में आते टाइम उतर ये है चला रहे तो क्या बाइक बंद करके चला देते हैं, पेट्रोल बच जाएगा, ये यार 50-60 रुपए के पेट्रोल के साथ, पेट्रोल के वजह से हमारे लाइफ के साथ क्यों खेलना फालतू में। खराब भी नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठंड भी, ठंडा भी मौसम है, बारिश हो रखी है, कल
कल ही बारिश हुई थी, 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो आज धूप निकली है, अच्छी बात है। यार अच्छा भी है ना कि जब बारिश नहीं हुई, बारिश होती तो मतलब जो जिसकी दुकान है वो, जिसे मैंने ठीक करवाया वो तो बंद रहती है, फिर बारिश हो रही है इसलिए। यार कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, सब होता है यार। बहुत से लोगों के साथ बुरी चीज़ें होती है और साथ साथ में अच्छी चीज़ें भी होती है। तो यार बाइक में ब्रेक में से वो आवाज़ आ रही है, क्योंकि पता नहीं ब्रेक ऑयल डालना पड़ेगा फिर, खर्चा बहुत होने वाला है बाइक पे, करना तो पड़ेगा भाई, मरीज को ठीक तो करना पड़ेगा, ठीक नहीं करेंगे तो मरीज चलेगा कैसे, प्रॉपरली कैसे चलेगी, कैसे हम राइड करेंगे फिर मेरी बाइक के साथ। फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच चुके हैं अभी, तो इतनी खास जगह नहीं लगी मेरे को, सारे बोलते थे अच्छी जगह है, देखने लायक है ये वो, इतना कुछ है नहीं, चलो ठीक है बनाया है। आई थिंक ये सपना लेक की तरह ही है बनाया हुआ है इसको प्रॉपरली। यार लास्ट के जो 10 किलोमीटर थे ना, बहुत ज़्यादा बोर हो गया उस चीज़ में, क्योंकि अब बहुत मतलब अकेला, एक तो अकेला था, सोलो राइड चल रही थी, फिर पहाड़ी एरिया पूरा चढ़ान चढ़ान थी, बहुत सारे दिक्कत है। तो फ्रेंड्स पता नहीं कंफर्म, lucky for you, that's what I like, that's what I like, lucky for you.